तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव भगवान की जय। हम सूर्य देव की भक्तों शुभ कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते, आदित्य देव की गाथा गाते हैं। सूर्य देव भगवान जय जय सूर्य देव भगवान, स्वामी दया निधान जय जय सूर्य देव भगवान। भक्त जनों, वेदों की ऋचाओं में भगवान सूर्य देव की अनेकों स्थानों पर स्तुति की गई है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा बताया गया है। सूर्य देव निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करके प्रकृति को स्वस्थ और पुष्ट बनाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव भगवान की जय। है अंतर्यामी, कण कण वासी जग के स्वामी, पाप ताप को हरने वाले, सब पे करुणा करने वाले, निर्विकार निर्मल सुख राशि, दिव्य प्रतापी प्रभु विनाशी, इनकी महिमा जग तू जागर, ये तो है करुणा के सागर। नर मुनि जन नित्य निरंतर इनको ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आदि देव आदित्य देव की गाथा गाते हैं। जनों, आइए अब आप सबको भगवान सूर्य देव की उत्पत्ति के विषय में बताती हूँ। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में संपूर्ण जगत प्रकाश सहित था। चारों तरफ भयंकर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव भगवान की जय। शासन कहीं प्रकाश नहीं था पावन, नारायण थे ध्यान में स्थित, भाव उठा अंतर में जगहित, सृष्टि की रचना हो जाए, जड़ चेतन में जग हर साए, नाभि से एक कमल सुहावन, प्रकट हुआ है अति मन भावन, उसी कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आदि देव आदित्य देव की गाथा गाते हैं। जनों, भगवान विष्णु की नाभि से निकले उसी दिव्य कमल पर ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का दायित्व प्राप्त हुआ तो घोर अंधकार के कारण सृजन के कार्य में बड़ी समस्या आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव भगवान की जय। घोर अंधेरा कहीं प्रकाश का नहीं बसेरा, ऐसे में यह सृजन कार्य तो होगा कैसे को, इसी सोच में थे ब्रह्मा जब मुख से निकल
निकला एक शब्द तम ओम रूप वह जगमग करता जग से अंधकार को हरता। फिर भूभुव और स्वमुख से बाहर आते हैं पावन कथा सुनाते हैं आदि देव आदित्य देव की गाथा गाते हैं। जनों ब्रह्मा जी के मुख से तीनों शब्द तीज रूप में निकलकर उस विराट ओम शब्द के अंदर विलीन हो जाते हैं। तत्पश्चात यही ओम पिंड रूप धारण करके भगवान सूर्य देव के नाम से तीनों लोकों में परम प्रसिद्ध होता है। बोलिए भगवान सूर्य देव की जय। काल में प्रकट हुए जब नाम पड़ा है आदि देवतम महातेज को धारण करते अंधकार ये जग से हरते। इनका पावन साथ मिला है ब्रह्मा का मन सुमन खिला है जब प्रकाश लोकों में छाया ब्रह्मा ने तब जगत बनाया। देवता देकर ऊर्जा जगत सजाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आदि देव आदित्य देव की गाथा गाते हैं। भक्तजनों ब्रह्मदेव के पुत्र मरीचि और मरीचि के ऋषि कश्यप हुए। कश्यप मुनि का विवाह अदिति के साथ हुआ था। एक बार माता अदिति ने भगवान सूर्य देव की बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान सूर्य देव माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले हे देवी जो भी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों सूर्य देव भगवान की जय। देवता प्रकट हुए जब माथ झुकाया अदिति ने तब कहा प्रभु ने मिटी प्रतीक्षा मांगो वर जो भी हो इच्छा। बोली अदिति हे नभगामी आदि देव प्रभु अंतर्यामी मेरी विनती को स्वीकारो पुत्र रूप में नाथ पधारो। कर प्रभु अपने लोक सिधाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आदि देव आदित्य देव की गाथा गाते हैं। जनों जब माता अदिति ने भगवान सूर्य देव को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा तो सूर्य देव एव वस्तु कहकर अपनी सुषुम्ना नाम की किरण से माता अदिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब आगे की कथा सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों सूर्य देव भगवान की जय। गर्भ में थे जब किया कठिन व्रत माता ने तब मुनि कश्यप ने जब यह जाना तो फिर इसको ठीक न माना। माँ अदिति को पास बुलाकर बोले मुनिवर क्रोधित होकर गर्भावस्था में व्रत ऐसा करने से होगा शिशु कैसा।
विभिन्न व्रतों से गर्भ माही शिशु दुख को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि देव आदित्य देव की गाथा गाते हैं। जनों, जब ऋषि कश्यप ने इस प्रकार से क्रोधित होकर अदिति को फटकारा, तो फिर माता अदिति ने गर्भस्थ शिशु को अपने उदर से बाहर कर दिया, जिसके रोम रोम से अत्यंत दिव्य तेज निकल रहा था। अब आगे की कथा सुनिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव भगवान की जय। अदिति के गर्भ से बाहर प्रकट हुआ एक शिशु अति सुंदर, जिसका तेज जगत में छाया, मारतंड जो है कहलाया। कश्यप जी का मन हर्षाया, दिव्य स्तुति से गुण गाया। इंद्र आदि देवों ने मिलकर स्वागत किया फूल बरसाकर। बालक के दर्शन को ब्रह्मा विष्णु भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि देव आदित्य देव की गाथा गाते हैं। जनों, माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण भगवान सूर्यदेव का नाम आदित्य पड़ा। जब भगवान सूर्यदेव बड़े हुए, तो उन्होंने देवताओं के सेनापति का पदभार संभाला और यज्ञ के भाग को अपहरण करने वाले दुष्ट असुरों का संहार किया। देवताओं को पुनः अपना अधिकार प्राप्त हो गया और सूर्यदेव अपने कर्तव्य पालन में सदा सर्वदा के लिए लग गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। सूर्यदेव सबका करते हैं दिन रविवार इन्हें है अर्पित। रविवार का व्रत करता जो सदा सदा सुख पाता है वो। प्रातः उठकर नित्य नियम से सब प्रकार निवृत्त होकर के स्वच्छ आसानी एक बिछाए, सूर्य देव का ध्यान लगाए। सूर्य देव को भजने वाले दुख ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि देव आदित्य देव की गाथा गाते हैं। जनों, भगवान सूर्य देव को अर्घ अर्पण करके फूल चंदन और गंध आदि से विधान पूर्वक पूजन करें। रविवार को लाल रंग के वस्त्र धारण करके और व्रत कथा सुनकर आरती उतारें। रविवार के दिन एक समय भोजन किया जा सकता है, परंतु बिना नमक के। इस प्रकार जो भी 12 अथवा 30 रविवार का व्रत संकल्प सहित करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, सूर्य देवता बुद्धि बढ़ाए। बल आयु प्रदान करते हैं, सूर्य देव संकट हरते हैं। स्वार्थहीन कर्तव्य निभाते, अंधकार को दूर भगाते। सूर्य देव है मंगलकारी, सूर्य देव है संकटहारी।
सब जन जीवन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव आदित्य देव की गाथा गाते हैं। जनों, वेदों और पुराणों में भगवान सूर्य देव को ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव का ही अंश बताया गया है। सूर्य को जगत की आत्मा और प्रकृति को विकसित करके बल तथा ऊर्जा प्रदान करने वाला परम पावन स्रोत कहा जाता है। ऋग्वेद में सूर्य देव को हिरण गर्भ अर्थात ब्रह्मांड रूपी अंडा कहा गया है। तो प्रेम से बोले भक्तों, सूर्य देव भगवान की जय। का गान करे जो हार कभी भी पाए ना वो, पूजा पाठ आचरण पावन सूर्य देव का खुश करता मन। जय जय सूर्य देव जगपाल, पाप श्राप दुख दोष निवारक, कवि सानंद को नहीं भुलाओ, अब तो अपने शरण लगाओ। सेवक जन सदा चरण में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।